इंडिया टीवी के ब्लॉकबस्टर शो सलाम इंडिया ने फिर रचा इतिहास। ट्विटर पर नंबर वन ट्रेंड कर रहा है मोदी विद रजत शर्मा। पहले चरण की वोटिंग से छठे चरण की वोटिंग से पहले ममता बनर्जी पर योगी का अटैक, बोले धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक, ममता सरकार ने मुसलमानों को जबरन ओबीसी में डाला। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में हिंसा में एक बीजेपी महिला कार्यकर्ता की मौत, बीजेपी का तृणमूल पर हमले का आरोप, टीएमसी बोली बदनाम करने की साजिश। स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार की आज कोर्ट में पेशी, खत्म हो रही 5 दिनों की रिमांड। पिटाई कांड के बाद पहली बार कैमरे के सामने आते ही केजरीवाल का फूटा स्वाति मालीवाल का गुस्सा, बोली उनके घर में रहते मेरी पिटाई हुई, मुझसे मिलने के बजाय विभव कुमार को बचाने में बिजी रहे सीएम। पुणे हिट एंड रन के मामले में आया ट्विस्ट, आरोपी का पिता का दावा फैमिली ड्राइवर चला रहा था पोर्शे कार, ड्राइवर ने भी सुर मिलाया, दावों की सच्चाई जानने में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के डोंबिवली में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 10 लोगों की दर्दनाक मौत, 60 से ज्यादा लोग जख्मी, मुख्यमंत्री बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कानपुर में गोलगप्पे खाने को लेकर खूनी झड़प, पहले लाठी डंडे चले फिर जनादन फायरिंग हुई, 6 से ज्यादा लोग जख्मी, जांच में जुटी पुलिस। केदारनाथ में बड़ा हादसा टला, श्रद्धालुओं को लेकर जा रहे हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, हेलीपैड से कुछ ही दूर पहले करवाई गई इमरजेंसी लैंडिंग, सभी श्रद्धालु सुरक्षित। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बिजली गुल होने के चलते डॉक्टर ने टॉर्च से किया मरीज का इलाज, वीडियो हुआ वायरल।